वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ कुर्ता सेट जो कि सारे के सारे होने वाले हैं फ्रॉम मीशो एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। क्वालिटी में आपको जब खोलूँगी पार्सल तभी पता चलेंगे कैसी क्वालिटी है उनकी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब जो स्पेशल है इस हॉल की, वो ये कि सारे के सारे कुर्ता सेट ना ब्लैक होने वाले हैं। मतलब उनमें कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, मतलब दुपट्टे में या फिर उसमें कुछ भी, उस ब्लैक के साथ में बेस तो पूरा ब्लैक ही है, ऊपर से शायद कुछ और उसमें हो सकते हैं, मेरे को याद नहीं आया, मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किए थे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस हॉल के लिए क्योंकि सारे के सारे कुर्ता सेट जो मंगवाए हैं मैंने वो ब्लैक है और देखते हैं कैसे उनकी क्वालिटी है। ब्लैक ब्लैक। तो ये हमारा है आद्रिका और सुपीरियर वुमन कुर्ता सेट। ये मैंने मीडियम साइज में मंगवाया है क्योंकि मीडियम ही साइज से स्टार्टिंग थी एंड 418 रुपीज़ का है। इसका फैब्रिक है रेयॉन। लेट्स सी अंदर से कैसा है। हाँ देख रहे हो, ये खोलते ही यहाँ पे ये जो वाइट पट्टी है ना, इसमें पिंक कलर का कुछ लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। बाकी ये कुर्ता बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब इसमें जो ये वाइट कलर का ये लेस लगी हुई है ना फ्लावर वाली, ये बहुत अच्छी लग रही है। इसका फैब्रिक उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी सही है। और थोड़ा सा देखो सी थ्रू वाला फैब्रिक है इसका। और पूरा मैं इसका लुक दिखा देती हूँ आपको, पहनने के बाद पता चल जाएगा। ये बहुत ही लूज़ आने वाला है मुझे क्योंकि ये मीडियम साइज़ है। और फ्रंट से आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का है, मतलब इसके नेक में आप पहन के पूरा पता चल जाएगा आपको, नेक में कुछ इस टाइप का ये पूरा ही लेस वर्क हो रखा है नीचे तक, साइड में भी इसके स्लिट में, पीछे से भी इसका कुछ इस टाइप का है, मतलब प्लेन है पूरा साइड में लेकिन स्लिट में जो यहाँ पे स्लिट है यहाँ से पूरी पट्टी दे रखी दोनों में। और स्लीव्स इसकी 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला लेस लगी है हमारी और बहुत ही सही लग रहा है। लेकिन इसका जो मतलब फैब्रिक है ना वो समझ नहीं आ रहा, लिखा तो रेयॉन है लेकिन ये धोने के बाद पता नहीं शायद इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि शायद इतना अच्छा ना आ रहे। ये इसकी बॉटम है जो कि बिल्कुल प्लेन है, इसमें इन्होंने बीपी नीचे पे भी कुछ नहीं दिया है, पूरी प्लेन बॉटम है। अगर यहाँ पर भी वो वाइट कलर की जो लेस लगी हुई ना फ्लावर वाली वो दी होती तो बहुत ही सही लगता। ऊपर से इलास्टिकेटेड है और ये मीडियम ही साइज़ है। हाँ मीडियम साइज़ है, सेम फैब्रिक है उसका भी जैसा हमारा कुर्ते का है। बहुत कड़क वाला फैब्रिक तो नहीं है, सो है तो सॉफ्टी फैब्रिक। वैसे ओवरऑल बताऊँ तो ये बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट है। और इसमें अगर ये पिंक कलर ना लगा हो तो ही मैं इसको रख लेती क्योंकि मुझे पता है शायद ये नहीं निकलेगा। और बिल्कुल सामने पे ही है ये, इसके नेक पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा पिंक कलर लगा हुआ है, तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं। पीछे से भी आप नेक पे भी, यहाँ पे बैक पे भी लगा हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहनने के बाद आपको पता चल जाएगा इसका फिटिंग वगैरह, मतलब लुक तो उसका बहुत अच्छा, लेंथ भी इसकी काफ़ी सही है, लुक इसका बहुत अच्छा आने वाला है मुझे पता है। और यहाँ देख रहे मैंने इसे लगाया ही यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कुर्ता सेट विद रॉयल दुपट्टा, स्मॉल साइज इसमें मुझे मिल गया है एंड ये कॉटन का, इसका जो मटेरियल लिखा हुआ है इन्होंने 399 रुपीज़ का मुझे मिला है, विद दुपट्टा और वो भी कॉटन का फैब्रिक। लेट्स सी अंदर से कैसा है। ओके, तो जो पहले वाला है उसमें रेयॉन लिखा है, इसमें कॉटन लिखा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही फैब्रिक है दोनों का। और ये है इसका दुपट्टा कह रही हूँ, ये कुर्ता है हमारा। तो कुर्ता देख रही है पूरा का पूरा ब्लैक है, पूरा प्लेन है, पूरा का पूरा नीचे तक पूरा का पूरा प्लेन है। फैब्रिक काफ़ी सही है अकॉर्डिंग टू प्राइस क्योंकि देखो इसमें दुपट्टा भी आपको दे रहे हैं। और ये स्लीव्स कुछ इस टाइप की, इसकी 3/4 स्लीव्स है। यहाँ पे ये वाला जो फैब्रिक लगा ना, ये मैं बोल सकती हूँ ये कॉटन का है क्योंकि ये छूने में और देखने में पता चल गया है कि कॉटन का। ये ऊपर से लगा रखा है इन्होंने, इसके ऊपर इसको स्टिचिंग की गई है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टिचिंग है। और नेक पे भी आप देख रहे हो ये कॉटन का ही है, ये दे रखा है ऑरेंज कलर का आपका, और ये जैसे लाइनिंग सा मतलब डिज़ाइन आपको दे रखा है। पीछे से ये बाकी पूरा का पूरा प्लेन है, स्मॉल साइज़ है तो ये मुझे सही आने वाला है, ठीक ही आएगा, मतलब मुझे एकदम फिटेड भी पसंद नहीं है तो ये मुझे काफ़ी सही आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है।
लेट्स सी इसकी जो पजामा है हमारा पैंट मतलब इसके साथ में दी गई है ये लास्टिकेटेड है, फुली लास्टिकेटेड है। नीचे पे इन्होंने यहाँ पे देखो आप दे रखा है, जैसे इसके स्लीव्स में दे रखा है ना वैसे ही इसके बॉटम में भी नीचे की साइड में दे रखा है, दोनों ही साइड लगा है फ्रंट और बैक में, जो कि बहुत ही सही है। मतलब अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है उससे। तो इसका भी जो फैब्रिक है वो सेम जैसे कुर्ता का फैब्रिक है, पैंट का भी सेम वही फैब्रिक है। और बात करते हैं इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टे का भी इन्होंने कॉटन ही फैब्रिक लिखा गया लिखा हुआ है, मतलब लिखा गया है। वाव, इसका जो दुपट्टा है ना मतलब ब्लैक के साथ में ये कितना कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये वाला जो कलर है पिंक और ऑरेंज कलर इन्होंने दे रखा है। नीचे पे छोटी छोटी टैसल्स है ऑरेंज कलर की, और दुपट्टा देखो दुपट्टे का साइज़ भी काफ़ी सही है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बीच में पिंक है बोल रहा, मैं पिंक बोल रही हूँ, तो ये बीच में पूरा पिंक है और साइड साइड में पिंक और ऑरेंज ये दे रखा है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टी दे रखी है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका दुपट्टा मतलब बहुत सही लगने वाला है, ब्लैक के साथ में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। और आप इसको ना छोटे मोटे जैसे फंक्शन में अगर आप पहनो, क्योंकि इसका दुपट्टा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्राइट कलर है तो थोड़ा सा शाइन भी कर रहा है, तो ये थोड़े छोटे मोटे फंक्शन में पहनोगे ना ये वाला कुर्ता, ज्वेलरी वगैरह पहन के जब आप ये कैरी करोगे तो ये काफ़ी सही लगने वाला है, छोटे मोटे फंक्शन के लिए काफ़ी सही कुर्ता सेट है। और महंगा भी नहीं है, 399 रुपीज़ का है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही सही है यार सेट ये, बहुत ही सही। तो नेक्स्ट जो हमारा कुर्ता सेट है वो तो ये है हमारा ब्लैक वी शेप टू पीस सेट, मीडियम साइज़ मंगवाया है मैंने इसमें, क्योंकि मीडियम साइज़ स्टार्टिंग थी, और 528 रुपीज़ का ये मुझे मिला है। रेयन फैब्रिक है और जैसे आप देखो प्रिंटेड है, तो ये वाला कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा था, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ये, इसमें जो प्रिंट हो रखा है ना कलरफुल वो इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना ब्लैक कलर को, और साथ में इसका जो वी शेप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये अनारकली वाला कुर्ता है यार, बहुत अच्छा लग रहा है सच बताऊँ तो, बहुत सही है। बस ये वी सॉरी मीडियम साइज़ है, कोई बात नहीं। इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है पूरी की पूरी ऐसी, यहाँ से कुछ थोड़ा सा अलग मतलब थोड़ी सी अलग फैब्रिक लगा के यहाँ पे बॉर्डर बना रखा है चौड़ा सा, और नीचे पे भी कुछ इस टाइप का ही बॉर्डर लगा है यहाँ पे अंदर से ना, इसके नहीं एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं, अंदर से कुछ इस टाइप का ये फैब्रिक है, यहाँ देख लो कुछ इस टाइप का हो रखा है। बाहर से ये जो लग रहा है ना वो बहुत सही लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कुर्ता। इसका जो मतलब फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और एकदम पतला भी नहीं है, तो सी थ्रू वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आपको होने वाली है। सच में ये बहुत ही अच्छा मतलब मुझे साइड पे भी जो दिख रहा था ना एग्जैक्ट वैसा ही ये सामने पे भी लग रहा है, बस इसका धोने के बाद इसका प्रिंट ना निकल जाए। वैसे अभी तो ये कुछ भी जैसे किसी किसी के छूने से ही स्पार्कल निकलते हैं ना, इसके बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है, मतलब मैं इसे कब ट्राई करके देखूंगी मुझे बहुत। और अब देख लेते हैं इसकी बॉटम, तो इसकी बॉटम लास्टिकेटेड है फुली, और इसके बॉटम में आप देख रहे हो यहाँ पे जो बॉर्डर उसके स्लीव्स में था कुर्ते की, वैसे ही नीचे पे आपको कुर्ता मतलब वैसे ही नीचे पे आपको ये बॉर्डर दी गई है, और बहुत ही सही है, प्लेन है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कुर्ती काफ़ी मतलब कुर्ता जो है ये काफ़ी लंबा है, और ये पूरा घेर है आप देख रहे हो इसमें काफ़ी अच्छा घेर भी इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, बहुत ही बड़ा सा घेर इसमें दे रखा है, और बहुत ही अच्छा है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 528 रुपीज़ का है। तो ये जो कुर्ता सेट है ये आप आराम से देख लो कितना अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये आराम से आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो अच्छे से ज्वेलरी पहन के, और बहुत ही सही है ये। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीशो पे ना सेल चल रही है, तो आप वहाँ से जरूर चेकआउट करना, इनके प्राइस आपको मे बी कम मिले। इस वाले कुर्ते का तो अभी मैंने चेक किया था तो जितना भी 528 है थोड़ा सा कम हो रखा है प्राइस, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट, वुमन रेयन ब्लैक फ्लावर कॉर्ड सेट, मीडियम साइज़ मंगवाया है मैंने इसमें, क्योंकि स्मॉल साइज नहीं था, और 609 रुपीज़ का मुझे मिला है। इसका फैब्रिक छूते ही काफ़ी सॉफ्ट लगा मुझे, और जैसे कि आप देख रहे हो पूरा ब्लैक एंड वाइट है, और ये काफ़ी अलग पैटर्न है इसका आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका। इसकी जो स्लीव्स है ना वो थोड़ी बेल वाली स्लीव्स होती है, और नीचे पे ये जो टेसल्स आप देख रहे हो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सही लग रहा है यार ये तो। और इसमें ये वी शेप की आपको
ये इतनी लंबी नहीं है जितनी आपको लेस दिखाई दे रही, इतना डीप मतलब नहीं है नेक, यहाँ तक यहाँ पे एक्स्ट्रा बीच में कपड़ा लगा रखा है। और ये डिज़ाइन के लिए वी आपका नेक जो है इतना डीप दिख रहा है यहाँ से, इसमें लेस लगी हुई है और स्लीव्स कुछ इस टाइप से है, पूरा का पूरा वाइट जो प्रिंट फ्लावर प्रिंट हो रखा है उससे पूरा का पूरा प्रिंटेड है। साइड में इसके स्लिट है और नीचे पे भी आप देख रहे हो टैसल्स लगे, जो कि मुझे बहुत ही सही लगा यार। ये इसका मतलब कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है और फैब्रिक भी इसका काफ़ी सही है, पैटर्न भी काफ़ी यूनिक है। पहनने के बाद पता चलेगा ये मुझे कितना लूज़ आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो लूज़ नहीं होगा लेकिन हाँ लूज़ तो ये मुझे आने वाले हैं। और मुझे पहन के देखना है इनको अभी की अभी की कैसे लग रहे हैं, तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं इनको कब पहन के देखूँगी। और अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो इसका बॉटम भी वही ब्लैक एंड वाइट ऐसी प्रिंटेड है और लास्टिकेटेड है। नीचे पे यहाँ पे ना इन्होंने अगर वही टेसल्स दी होती थी तो ये बहुत सही लगता, लेकिन यहाँ पे ये लेस लगी जैसे नेक पे लगी है वही वाली लेस इन्होंने लगा रखी है। तो बॉटम कुछ इस टाइप से है, मतलब इस टाइप से आप देखो कुछ इस टाइप की बॉटम है यहाँ पे, और बॉटम भी काफ़ी सही लग रही है। मतलब ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, सेट कॉर्ड सेट या बोलो या कुर्ता सेट आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप इनको भी डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न है और काफ़ी सही लग रहा है। अब वी हैव दिस हमारे है वुमन रेयन कुर्ती विद दुपट्टा एंड बॉटम वेयर, स्मॉल साइज मंगवाया है मैंने इसमें एंड 595 रुपीज़ का। इसमें आपको तीन कलर और मिल जाएंगे, ये ब्लैक एंड वाइट है जैसा कि, इसमें आपको ग्रीन रेड और मरून कलर मिल जाएगा। और फैब्रिक इसका है रेयन। ओके पहले इसका कुर्ता देखते हैं हम, तो इसका कुर्ते का जो फैब्रिक मतलब छूने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, और ये पूरा ब्लैक और वाइट कलर का इसमें फ्लावर बने छोटे छोटे, वाव बहुत ही अच्छा लग रहा है ये भी। और सामने से ये डोरी दे रही गई जो भी पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये कुछ इस टाइप की है। और सामने पे ये कुछ इस टाइप से इन्होंने यहाँ पे नेक पे जो फ्रंट पे है आपका ये डिज़ाइन दे रखा है। यहाँ पे स्लीव्स की 3/4 है, स्लीव्स कुछ इस टाइप की यहाँ पे जैसे नेक पे है वैसी स्लीव्स में भी दे रखा है। और पूरा का पूरा प्रिंटेड है और अनारकली थोड़ा शेप में है, नीचे पे भी आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का है। फ्रंट और बैक पूरा का पूरा वैसे ही है जैसे कि पूरा प्रिंटेड ही है नीचे से, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, ये बहुत सही लग रहा है मुझे ये कुर्ता। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और ब्लैक एंड वाइट कलर का कुर्ता सेट है हमारा, बहुत ही अच्छा। बॉटम भी काफ़ी सही है, फुली इलास्टिकेटेड है, सेम फैब्रिक है। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी मुझे इस बॉटम की कि देखो मोस्टली बॉटम में या तो नीचे पे कुछ भी डिज़ाइन होता है पूरा प्लेन ही ब्लैक होता है, या फिर इतनी सी पट्टी आपको दी गई होती है, जैसे इतनी आप समझ लो इतनी पट्टी आपको दी गई होती है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो इतना पूरा मतलब इतना चौड़ा आपको डिज़ाइन दे रखा है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे से दिखता है दूर से भी। इसका प्रिंट है ना, प्रिंट भी ना काफ़ी अच्छे से हो रखा है, मतलब पास से देखोगे तो कुछ इस टाइप का इसमें प्रिंट हो रखा है, जैसे गोल्डन भी हो रखा है, वाइट एंड ब्लैक तो ये पूरा बेस है ही, तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। सेम कुर्ती में भी है और उसके बॉटम में भी है। बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की, ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है जो उसका कुर्ता सेट है और जो बॉटम वेयर है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट इसका दुपट्टा है। और हाँ यहाँ से उल्टा है और यहाँ से आप देख रहे हो सीधा है, तो इसका दुपट्टा आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। इसमें भी ऐसे ही प्रिंट हो रखा है गोल्डन एंड वाइट कलर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा सेट जब हम पहनेंगे ना ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अगेन इसको भी आप ना किसी छोटे मोटे फंक्शन में कैरी कर सकते हैं और अच्छे से ज्वेलरी पहन के, तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अकॉर्डिंग टू प्राइस आपको सेट मिल रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड लुक वाइज भी आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा मुझे लूज़ होगा लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ जो कि है ये वाला। तो ये हमारा है आकाशा सुपीरियर वुमन कुर्ता सेट, मीडियम साइज मंगवाया है और 539 रुपीज़ का ये मुझे मिला है एंड रेयन फैब्रिक है। इसका जो दुपट्टा है ना ये थ्री पीस सेट है, इसमें दुपट्टा भी है, तो इसका जो दुपट्टा है वो मलमल का है और 539 रुपीज़ का मुझे मिला। लेट्स सी ये कुछ इस टाइप का है, वाव ये भी ब्लैक एंड वाइट आप जैसे कि देख ही रहे हो, इसमें वाइट कलर के फ्लावर बन रखे हैं, यहाँ पे छोटी सी गोटा पट्टी हल्की सी गोल्डन कलर की लगी हुई है और यहाँ पे अलग से बॉर्डर लगा हुआ है। और नेक में आप देख रहे हो फ्रंट में इसके सेम वैसे ही जैसा गोटा पट्टी है जैसे स्लीव्स में है वैसे ही फ्रंट में भी दे रखा है और 3/4 इसकी स्लीव्स है। पूरा
का पूरा प्रिंटेड है आगे भी और इसका पीछे भी। नेक्स्ट अब ये सभी के ऑलमोस्ट राउंड है, दो को छोड़ के, दो तीन को छोड़ के सबके राउंड ही है। और ये पूरा का पूरा ऐसा है, नीचे पे कोई भी पट्टी ऐसे नहीं लगी है और बहुत ही अच्छा है। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। देखो कितने का ये, 595 रुपीज़ का। इसमें आपको 3 पीस सेट मिल रहे हैं। आप देख लेते हैं इसका बॉटम वेयर, तो बॉटम वेयर भी देखो ये पूरा का पूरा प्रिंटेड है, फुली इलास्टिकेटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका फैब्रिक भी सेम है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, कुछ इस टाइप का पैंट शेप में थोड़ा सा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार इसका बॉटम भी, मतलब इसका प्रिंट ना काफ़ी सही हो रखा है, उभरा उभरा वाला प्रिंट हो रखा है। बस ये भी धोने के बाद निकल ना जाए, वैसे मुझे जो थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसका जो प्रिंट है ना वो धोने के बाद ना निकले ना या फिर हल्का ना पड़े, थोड़ा सा मुझे डाउट। ओवरऑल जो कुर्ता है ना ये बहुत ही अच्छा है, कुर्ता और बॉटम वेयर। अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की, तो मलमल का तो लिखा है लेकिन ये मलमल जितना सॉफ्ट नहीं लग रहा है मुझे, ये कॉटन का ही लग रहा है मुझे, मलमल तो लग ही नहीं रहा है। लेकिन इसमें जो ये प्रिंट हो रखा ना ये ऐसा इस फैब्रिक पे ही हो रखा है, मतलब आप देखो फैब्रिक पे प्रिंट हो रखा है, ये ऐसा निकलने वाला डर नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी चौड़ा दुपट्टा है और वाइट में, सॉरी हाँ, और ये वाइट में हमारा ब्लैक कलर का फ्लावर बन रखे हैं, जो कि कुर्ता हमारा पूरा ब्लैक है तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा वाइट कलर का। ये जो दुपट्टा है हमारा काफ़ी अच्छा है, मैनेजेबल है, मतलब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि जो फिसलने वाले होते हैं वो बार बार गिरते हैं। तो ये कॉटन का है, इसमें लिखा तो मलमल है लेकिन ये कॉटन का है, तो इजी मतलब आराम से एक ही जगह रहेगा, आपको बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गिर जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चौड़ा दुपट्टा, मतलब बहुत ही अच्छा सेट है, तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा वाला कुर्ता सेट अच्छा लगा। एंड अगर आप इस टाइप की वीडियोस और देखना चाहते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर कलर्स का कुछ भी टॉप या फिर साड़ी या फिर और भी कुर्ता सेट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। या फिर कोई और प्रोडक्ट भी आप देखना चाहते होंगे ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर से आपके साथ में शेयर करूँगी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।